नहीं, मैं अंदर आ जाऊं जी? आप भी आ जाए। अरे सो गई है मैं। दहनियत, तुम कहीं जा रही हो? जी, मामा बाबा की तरफ जा रही हूँ। लेकिन तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। जी, वो जब से जॉब शुरू की है मामा बाबा के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाई। जब भी जाती हूँ मेहमानों की तरह 1 घंटा या 1.5 घंटा वेट कर आ जाती हूँ। सोचा था आप जब हैदराबाद से वापस आएंगी तो फिर वहाँ रहने चली जाऊंगी। बहुत मिस कर रही हूँ। तो क्या मिस कर रही हो? मामा बाबा को, ने बचपन को, लड़कपन को, वहां गुजरे दिन रात, खुशियां कह के मुस्कुराहटे, जिसमें कोई दुख नहीं था, कोई दर्द नहीं था। दहनियत, क्या बात है? सब ठीक है ना? मेरा मतलब तुम्हारे और मुर्तजा के दरमियान। इधर मेरी तरफ देखो, मुझे सच सच बताओ दहनियत, तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। हाँ, बताने को बचा ही क्या है? क्या तुम नूरुलैन की वजह से यहां से जा रही हो? ये बात तो आप अपने भाई से पूछें। मुर्तजा को पता है कि तुम जा रही हो? सब जानते हैं, लेकिन मेरे यहाँ होने से या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है तहनियत, वो बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। आप यह आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमेशा मेरा और एमल का ख्याल रखा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने भाई की गलतियों पर पर्दा डालें। दहनियत, मैं किसी की गलतियों पर पर्दा नहीं डाल रही। ये भी तो हो सकता है कि मुर्तजा नूरुलैन के साथ किसी काम की वजह से हो। साहिल समंदर पे क्या काम हो सकता है, बताएंगे आप?